टकली परी। परीलोक में जहाँ सारी परियाँ एक साथ खुशी से रहती थी, वहीं एक नई परी परीलोक में रहने के लिए आई। मैंने आप सबको यहाँ एक नई परी से मिलवाने के लिए बुलाया है। इसका नाम टकली परी है और अब से ये हमारे साथ इसी परीलोक में रहेगी। रानी परी, यदि ये एक परी है फिर इसके बाल क्यों नहीं है? हमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ हाँ रानी परी, ये तो कहीं से परी लगती भी नहीं है। आप इसे परीलोक लेकर क्यों आई हो? परीलोक में तो इतनी सुंदर परियां रहती है, इसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर ये यहाँ रही तो सब हम पर हंसेंगे। रानी परी, सभी परियां एक जैसी नहीं होती, हमें किसी पर हंसना नहीं चाहिए। हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। और टकली परी आज से हमारे साथ हमारे परीलोक में रहेगी और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप टकली परी के साथ मिलजुल कर रहेंगे। जी रानी परी। इतना कहकर सभी परियां मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब राशि परी फूलों को पानी दे रही होती है, तभी टकली परी वहाँ आ जाती है। राशि परी, क्या मैं आपकी मदद करूँ? मुझे भी फूलों को पानी देना बहुत अच्छा लगता है। टकली परी, इन फूलों को पानी देकर क्या तुम इन्हें भी अपनी तरह टकली करना चाहती हो? जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। कहीं तुम्हारे साथ मैं भी तुम्हारी तरह टकली ना हो जाऊं। ठीक है राशि परी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। टकली परी वहाँ से चली जाती है। बगीचे में कुछ परियाँ आपस में बात कर रही होती है। आप सब क्या बातें कर रही हो? क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ जाऊं? टकली परी, हम सब परियां अपनी बातें कर रहे हैं और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम बस इस परीलोक में रह सकती हो, हमारे साथ में नहीं। हाँ सोना परी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। टकली, तुम हम सब से दूर ही रहो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी और यहाँ हम में से कोई तुम्हारी तरह टकली परी नहीं है, इसलिए तुम हमसे दूर ही रहो। परीलोक में तो कोई मुझे पसंद नहीं करता, जबकि मैं भी एक परी हूँ। मुझे कोई भी अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता। शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे टकले होने की वजह से कोई मुझसे बात ही नहीं करता। मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मेरा यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। इतना कहकर टकली परी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, अरे तुम लोगों में से किसी ने टकली परी को देखा है क्या? नहीं, मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। हाँ हाँ, मैंने भी उसे कल से नहीं देखा। मैंने उसे परीलोक से बाहर जाते हुए देखा था, उसके बाद मैंने उसे कहीं नहीं देखा। शायद वो हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। वो कहाँ गई होगी? मुझे तो डर लग रहा है, अकेले वो ना जाने कहाँ चली गई। हाँ हाँ, हमने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, वो हमारे पास कितनी बार आई पर हमने हमेशा उसे डांट कर भगा दिया। हाँ, हमने उससे ठीक से बात तक नहीं की, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। आखिर वो भी तो एक परी ही है और हम एक परी होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, पर अब हम क्या करें? टकली परी को कहाँ ढूंढें? हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। हाँ, हमें अब रानी परी के पास जाना चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकती है। इतना कहकर सारी परियाँ रानी परी के पास जाती है। रानी परी, रानी परी, क्या हुआ? तुम सारी परियाँ इतनी परेशान क्यों हो? रानी परी, हमने टकली परी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिस वजह से वो शायद इस परीलोक को छोड़कर चली गई है। रानी परी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ रानी परी, हमने बहुत गलत किया, हमें किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। रानी परी, आप टकली परी को वापस ले आइए, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि आप सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब आप ऐसा नहीं करोगे। और हाँ, टकली परी कहीं नहीं गई, वो यहीं है हमारे पास। टकली परी, यहाँ आओ। तभी टकली परी वहाँ आती है। और ये क्या, टकली परी के बहुत लंबे और बहुत ही सुंदर बाल होते हैं, जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। टकली परी, तुम्हारे तो बाल भी आ गए और तुम अब तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, ये कैसे? रानी परी, ये कैसे हुआ? टकली परी कभी टकली थी ही नहीं। टकली के पास जादुई शक्ति है, जिससे वो कभी भी जैसे चाहे वैसे रह सकती है। और वो हम सबके बीच टकली इसलिए थी
ताकि वो आप लोगों को बता सके कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। टकली परी, हमें माफ कर दो, हम लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमें समझ आ गया है कि हमें कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं आप सब लोगों से नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ ये जानकर कि मैं जो आप लोगों को समझाना चाहती थी वो आप लोगों के समझ में आ गई है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ टकली परी, अब तुम हमेशा हम लोगों के साथ ही रहना। हाँ टकली परी, अब चलो हमारे साथ, हम तुम्हें पूरा परीलोक दिखाते हैं। हाँ टकली परी, अब तुम हम सबके दोस्त हो। हाँ, अब आप सभी मेरे दोस्त हैं। अब चलो चलकर परीलोक देखते हैं। इसके बाद से सभी परियां आपस में मिलजुल कर रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नई कहानी में नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।